Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you people are fine and doing good. A very warm welcome to my YouTube channel. तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि मैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में आपको गाइड करूँगी कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। तो बेसिकली हर यूनिवर्सिटी सिमिलर मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ आपका जो डिग्री प्रोग्राम है ना उसकी वजह से आपके मॉड्यूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो मोस्टली जो स्टार्ट में होता है वो आपसे, अगर हम चलें तो इंट्रोडक्शन के बारे में आपका वो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सर्च आउट कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को आप खुद सर्च आउट करें, ठीक है। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगी कि उनके ऊपर ना रहें, आपने एग्ज़ाम में बैठना है, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर सर्च आउट करनी है, आपके कोर्स के बारे में प्रॉपर आपको सर्च आउट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स किस लेवल का है, कोर्स का नाम क्या है। अपने कैश लेटर को भी गौर से पढ़ें, ठीक है। कैश लेटर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है जिसमें आपका कोर्स की स्टार्ट डेट, कोर्स की एंड डेट दी हुई होती है, ठीक है। आपके जो है वो डिग्री का प्रॉपर नाम लिखा हुआ होता है, लेवल क्या है आपका, ये सारी चीज़ें आपको के कैश लेटर से मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, ठीक है, वो भी उसमें लिखे हुए होते हैं। मॉड्यूल्स क्या हैं कैश लेटर के अंदर नहीं लिखे हुए होते, वो आप वेबसाइट से जाके देख लेंगे मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखने होते हैं कि मॉड्यूल्स क्या हैं, उनके क्रेडिट आवर्स क्या हैं। तो कोशिश करें अगर थोड़ा बहुत जस्ट फॉर द प्रिपरेशन कि उनको आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूल जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, किस तरीके से आपको गाइड करता है, क्या करता है, ठीक है। तो वो कोशिश करें कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसमें आप क्या लर्न कर सकते हैं, यहाँ इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। देन आपको यू शुड ऑल्सो नो आपके जो कैश लेटर के अंदर फीस भी लिखी हुई होती है कि आपकी कितनी फ़ीस है, अगर इफ़ यू गेट एनी डिस्काउंट तो वो भी लिखा होता है, उसके बाद आपकी फ़ीस आ रही होती है। तो फ़ीस कितनी है, ठीक है जी। तो और आप अभी आपने कितनी सबमिट कराई है, ये सारी चीज़ें, ये दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो आपको खुद और इनको आपने सही अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और मॉड्यूल्स जो है वो आप सीक्वेंस वाइज आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और क्रेडिट आवर्स भी उनके पता होने चाहिए, ठीक है। देन फिर आपके डिग्री का अल्टीमेट जो है वो आपको किस तरह से बेनिफिट करेगी, डिग्री आपकी इस में फर्दर किन फील्ड्स के अंदर जॉब्स हैं, या इस तरीके से ये क्वेश्चन सारे आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उसमें पूछते हैं कि आपका एक्सपेंस कितना है, मंथली या ईयरली आपका, जहाँ पर आप रिजाइड करेंगे लंदन के अंदर या इंग्लैंड में, कहीं भी बर्मिंघम के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर, तो आपका जो एक्सपेंस है, लिविंग एक्सपेंस वो कितना है। अच्छा, वो वेरी करता है सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो उसमें है वो आपको बता देते हैं कंसल्टेंट कि इतना इतना है, उस पर लिखा होता है, तो आपने एग्जैक्ट वही बताना होता है। ओवरऑल एनुअली जी इतना है, और उसका ब्रेक डाउन करके भी बताना है आपने कि आपका रेंट इतना है, आपके फूड पे इतना जाएगा, आपके रेंट पे मतलब ट्रैवल एक्सपेंस इतना है, आपकी कोई यूनिवर्सिटी के थोड़े बहुत आपने फोटोकॉपीज़ वगैरह करानी है तो इतना है, तो ये ओवर कुल मिला के मंथली इतना हो जाएगा। तो जो है वो एनुअली फिर उसको आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इतना होगा। सो हु इज़ योर स्पॉन्सर, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो अगर इफ़ ही इज़ योर फादर या गार्डियन जो भी है, तो आपने उनका बताना है प्रॉपरली कि उनका, वो पूछते हैं कि उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या है, फिर वो आइदर आप वो बिजनेसमैन हैं या जो भी है जॉब कर रहे हैं वट एवर, वो आपने क्लियरली डिफाइन करना होता है, और उनकी एनुअल इनकम कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप बताते हैं, ठीक है। फिर वो एक आपसे पूछेंगे कि आप यूनिवर्सिटी का और आपकी रेजिडेंस से डिस्टेंस कितना है, आप यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, बाय बस जाएंगे, आप पैदल जा सकते हैं, कितने डिस्टेंस पे आपकी रेजिडेंस, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं, ठीक है। फिर जो है वो आपने ये डिग्री अटेंड करने के बाद आर यू प्लानिंग टू रिजाइड इन यूके या यू वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, तो वो आपने बताना है कि जी हम डेफिनेटली आपने जवाब देना है कि आई विल गो बैक टू पाकिस्तान, बट इफ़ आई गेट द वर्किंग अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप हेयर इन यूके, सो आई विल डेफिनेटली ऑप्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट द एक्सपीरियंस, टू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ यूके, एंड देन आई विल गो बैक टू माई कंट्री एंड अप्लाई दोज स्किल्स और एक्सपर्टीज विच आई लर्न फ्रॉम द यूके इन माई होम कंट्री। तो इस तरीके से आपने उसको आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं फिर आपसे, फिर वो आपसे पूछते हैं आर यू कमिंग अलोन, डू यू हैव एनी डिपेंडेंट्स विद यू, डू यू हैव एनी चिल्ड्रन, वो इस तरह से ट्रिक्स आपके मतलब सम टाइम पर वो देख चेक कर रहे होते हैं कि ये किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया ना, वो जो आपकी कंसल्टेंसी ने आपको प्रोवाइड किया या आप खुद से कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बस आपने एक
अच्छे तरीके से पढ़ लेने वो, मतलब उनको थोड़ा सा दिमाग में जैसे मॉड्यूल्स हैं तो वो याद करने पड़ेंगे, बाकी यू शुड बी वेरी क्लियर, आपने कोई भी फिक्र गलत नहीं बोली है, जैसे आपकी फ़ीस से रिलेटेड है, फाइनेंस, आपने फादर की ऑक्यूपेशन बताई या गार्डियन की या स्पॉन्सर की जो भी है, उनका एनुअल एक्सपेंस आप देख लें, आपने बनाना है उसी तरीके से, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट कितने होल्ड कराई हुई है ये वो, और आप यूके के अंदर जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपने बताना है कि नहीं मेरे पास इनफ एक्सपेंसेस हैं, मैं जॉब नहीं करूँगा, बट अगर कोई मिलती हुई थोड़ी बहुत छोटी मोटी तो आई विल डेफिनेटली डू, बट फॉर द फुल टाइम तो वैसे भी अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को। तो ये आपने फुली अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपका ये इंटरव्यू जो है ना वो बहुत अच्छे से जा सकता है।